الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 151. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں. تفسیر: خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے. جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے. کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی جانے والی دعا کا ثمرہ ہے. یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا احسان قرار دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. ہمارا یہ دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، ہمارے یہ ہاتھ یہ اللہ کی نعمت، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان، ہماری یہ زبان، ہمارا ہر عضو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ماں کی ممتا سے نوازا، یہ اللہ کی نعمت ہے. باپ کی شفقتوں سے نوازا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت کی عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تم پر میرا احسان ہے، میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے تم پر میرا احسان ہے، تمہیں میں نے اولاد کی نعمت دی تم پر میرا احسان ہے،
तुम्हें मैंने वालदेन की नेमत दी, तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह तबारक व ताला ने अनगिनत नेमतों से नवाजा, गिनी नहीं जा सकती। लेकिन कहीं अल्लाह ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें ये नेमतें दी हैं तो तुम पर मेरा एहसान है। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना एहसान करार दिया। अल्लाह ने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल मबूस फरमाया। प्यारे आका के बारी आई तो फरमाया ये मैंने एहसान किया मोमिनों तुम पर। और वो रसूल भी कैसे हैं? कुरान, इल्मे कुरान, फहमे कुरान, इसरारे कुरान, हिकमत, तहारत, तस्किया नफ्स, तस्किया नफ्स, कल्ब व इस्लाह, जाहिर व बातिन, और दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां देने वाले हैं। इसी तत्हीर और तस्किया के एक और जगह पे अल्लाह ताला बयान फरमाता है खुद मिन अमवालिहिम सदकतुन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ए हबीब तुम इनके माल से ज़कात वसूल करो जिससे तुम इन्हें सुथरा और पकीजा करो। अगला फरमाता है वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम नहीं। कुरान और अहकाम इलाहिया जो हम नहीं जानते थे वो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सिखाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये ऐसी अजीम नेमत से नवाजा, और हकीकत यह है कि सिर्फ जाहरी मजामीन कुरान और अल्लाह ताला के अहकाम ही नहीं बल्कि हजूर पुर नूर सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि आप अव्वलीन और आखरीन के अलूम के जामे हैं। जो अव्वलीन के हैं, जो आखरीन के हैं, जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ और जो होगा, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। इसी तरह कसीदा बुर्दा शरीफ में इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है फाकन नबीयीन फी खल्की व फी खुलुक वलम युदानूहु फी इल्मी वला करमी, यानी आप हुस्नो जमाल और अखलाक में तमाम नबियों पर फायक हैं और इल्मो करम में कोई आपके बराबर नहीं। ये इमाम बुसीरी, ये अल्लाह के वली भी हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जब जियारत की इन्होंने, तो ये जो कसीदे का एक शेर मैंने आपको सुनाया ये पूरे का पूरा कसीदा इमाम बुसीरी ने लिखा था। इस कसीदे का नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। आपको फालिज हो गया था, 12 साल तक फालिज का मर्ज रहा, उसके बाद इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग आपको ना, जैसे वो बंदा किसी को तंजिया मिजाज में नहीं कहता, अच्छा तेरी फलां के साथ बड़ी दोस्ती है, अच्छा तेरी फलां के साथ दोस्ती है तो तुम उसी से ही अपना काम करवा लो, होता है ना। तो इनको फालिज हो गया, तो यार लोगों ने ताना दिया कि तुम तो वसीले के बड़े कायल हो, यार सुल्लाह कहने वाले हो, तो अब मदद मांगो ना उनसे। तो फिर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना कलम उठाया और कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबी का खैर खल्की कुल्लिहिमी। ये कसीदा लिखते गए लिखते गए लिखते गए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। और फिर हुआ क्या, जिस मुस्तफा करीम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस आपकी खाब में तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, और फिर अपना वो यदुल्ला वाला मुबारक हाथ इनकी मुबारक
टांग पे जब फेरा तो अल्लाह के फजल से आप तंदुरुस्त हो गए और जो फाली जो था वो दफा हो गया और आप दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। सुबह जब आप बाजार की तरफ निकले तो किसी ने आपको आवाज दी, आपने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन आ गया कि जिसने मुझे आवाज दी और मेरा नाम लेकर पुकारा। 12 साल के बाद बाजार निकले हैं, ये मेरा जानने वाला कौन आ गया? तो जब पीछे पलट के देखे तो बुजुर्ग कहते हैं कि ए इमाम मुसीरी, वो रात वाला कसीदा तो सुनाओ, वो रात वाला कसीदा तो सुनाओ। आप फरमाते हैं मैं तन्हा, ना मैंने उस कसीदे का किसी से जिक्र किया, मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने कसीदा लिखा किसी को पता ही नहीं, ये मुझे पता है या महबूब आका को पता है जिनके लिए मैंने कसीदा लिखा और जिन्होंने करा फरमाया, ये मुझे किस तरह कह रहा है कि वो रात वाला कसीदा सुनाओ। तो वो कहने लगे कि ए इमाम बुसीरी, सिर्फ मैं ही नहीं, रात तेरे चौकट के बाहर जितने मजजूब बाबे थे वो सारे तेरे चौखट के गिर, तेरी गली के गिर अपने कासे फैलाए, वो फरियाद कर रहे थे कि यार रसूल अल्लाह इधर भी करम कर दीजिए, यार रसूल अल्लाह इधर भी करम कर दीजिए। ए इमाम मुसीरी, कि आपको नहीं पता कि जब बादशाह कोई हाकिम अपने इलाकों की तरफ जाता है तो वजीरों को पहले से इतला कर दी जाती है, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तेरी हवेली पे करम किया तो ए इमाम मुसीरी, जितने भी मजदूर बाबे थे औलिया अल्लाह तेरी चौकट के द्वारे के आगे पीछे अपने कासे लेके खड़े थे कि यार रसूल अल्लाह हम पे भी नजर करम फरमा दीजिए, यार रसूल अल्लाह हम पे भी नजर करम फरमा दीजिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से उनको भी खबर हो गई थी। तो इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको जब प्यारे आका तशरीफ लाए ना तो आपने एक चादर अता फरमाई, उस चादर को जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाई वो बाद में भी आपके पास थी। वैसे तो बंदा ख्वाब देखता है तो ख्वाब के अंदर जो चीज होती है जब बंदा आंख खोलता है तो वो चीज गायब हो जाती है, वो पास नहीं रहती, वो गायब हो जाती है। रात को बंदा ख्वाब देखता है तो उसके पास कई हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सुबह देखता है तो कुछ भी नहीं होता। वो खाना खा रहा होता है लेकिन खाना खाते खाते उसकी आंख खुलती है तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अता करते हैं तो भले वो ख्वाब में भी अता करते हैं लेकिन जब वो बेदार होता है तो वो चीज उसके पास मौजूद होती है। ये एक वाकया ही नहीं, कई वाकयात इस पे शाहिद हैं। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको चादर अता फरमाई वो चादर भी आपके पास मौजूद थी। तो इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जो मकबूल शुदा कसीदा है उस कसीदे में इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया, फाका नबीयीना फी खल्की व फी खुल्क वलम युदानू फी इल्मी वला करमी, यानी आप हुस्न व जमाल और अखलाक में तमाम नबियों पर फाइग हैं और इल्म व करम में कोई आपके बराबर नहीं। बुखारी शरीफ में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मरतबा हमारे दरमियान खड़े हुए और हमको तमाम मखलूक की इब्तदा यानी पैदाइश की खबरें देने लगे, हत्ता के यहां तक बयान किया कि जन्नती लोग अपनी मंजिलों में पहुंच गए और जहन्नमी अपनी मंजिलों में, जिसने याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया, यानी तमाम कायनात की खबरें इरशाद फरमा दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व फेल में वो इल्म व हिकमत है कि दुनिया आज तक वो तमाम इल्म व हिकमत मालूम नहीं कर सकी। इसकी कई मिसालें मैंने कई मरतबा पहले भी बयान में आपको बताई हैं, आज तक सर्च हो रही है लेकिन साइंस
आज बता रही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले उसका तज़किरा फरमा चुके हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 152, फल्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी ना शुक्री ना करो। तफसीर, कायनात की सबसे बड़ी नेमत हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र इलाही और नेमत इलाही पर शुक्र करने का हमें हुक्म फरमाया गया। जिक्र की तीन किस्में हैं, एक होता है जुबानी जिक्र, एक होता है कल्बी जिक्र, और एक होता है आज़ाए बदन के साथ जिक्र। जुबानी जिक्र, कल्बी जिक्र और आज़ाए बदन के साथ जिक्र। नंबर एक, जुबानी जिक्र में तस्बीह तकदीस, हम सना, तोबा, इस्तिगफार, खुतबा और दुआ, नेकी की दावत वगैरह, ये सारे जुबानी जिक्र में आते हैं। जैसे अभी मैं बयान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये जुबानी जिक्र की मिसाल है। इसकी अजमत और किबरियाई की अजीम कुदरत के दलाइल में गौर करना, ये दाखिल। निज उलमा का शरी मसाइल में गौर करना भी इसी में दाखिल है, ये कल्बी जिक्र। इसमें आजाए बदन के साथ जिक्र, इससे मुराद ये है कि अपने आजा से अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, बल्कि आजा को इताअत इलाही के कामों में इस्तेमाल किया जाए। जिक्र के बड़े बेशुमार फजाइल हैं। बकसरत अहादीसे मुबारका जिक्र के हवाले से मौजूद है, इनमें से 10 अहादीसे मुबारका में अर्ज करता हूं। अल्लाह का जिक्र ईमान कामिल की निशानी है। एक हदीसे पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्रुल्लाह दुनिया और आखरत की हर भलाई पाने का जरिया है, खा वो दुनिया की है खा वो आखरत की है। जो भलाई चाहिए आपको अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह आपको अता फरमाएगा। जिक्र इलाही अजाब इलाही से निजात दिलाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से बच जाएं तो अल्लाह का जिक्र करें। जिक्र करने वाले कियामत के दिन बुलंद दर्जों में होंगे। एक हदीसे पाक में फरमाया, जिक्र करने वाले कियामत के दिन बुलंद दर्जों में होंगे, और फरमाया जिक्र के हल्के जन्नत की क्यारियां हैं। जिस तरह जन्नत की क्यारियां, फरमाया जिक्र के हल्के भी जन्नत की क्यारियां। एक हदीसे पाक में फरमाया, जिक्र करने वालों को फरिश्ते घेर लेते और रहमत से डांप लेते हैं, उन्हें अल्लाह की रहमत उन्हें डांप लेती है और फरिश्ते घेर लेते हैं। शबे कदर में अल्लाह का जिक्र करने वाले को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं। जिक्र करने वालों की सोहबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। अल्लाह का जिक्र करने से शैतान दिल से हट जाता है। और फिर एक हदीसे पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के जिक्र से दिल की सफाई होती है। तो दिल को भी साफ करना चाहिए ना। फरमाया, हदीसे मुबारका का मफहूम है कि दिल को भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, दिल को भी जंग लग जाता है। और दिल का जंग जो है ये अल्लाह के जिक्र से दूर होता है। यार सुल्लाह, दिल को जंग लग गया तो कैसे इसका जंग उतारे? तो प्यारे आका ने इसका नुस्खा दिया कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र करने से दिल का जंग दूर होता है। तिलावत कुरान करने से दिल का जंग उतरता है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। फरमाया, उदकुर को, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला इताअत से याद करने वालों को अपनी मगफरत के साथ, शुक्र के साथ याद करने वालों को अपनी नेमत के साथ,
मोहब्बत के साथ याद करने वाले को अपने कुर्ब के साथ याद फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूं जो मुझके मेरे साथ जो गुमान रखेगा। बड़ी प्यारी हदीस पाक, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नो रावी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूं जो मुझसे रखे, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूं, अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अकेले ही में याद करता हूं, अगर वो मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उसे बेहतर मजमे में याद करता हूं, और अगर वो बालिश्त पर मेरे करीब होता है तो मैं गज़ पर उससे करीब होता हूं, और अगर वो गज़ पर मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के बराबर, दोनों हाथों के फलाओं के बराबर उससे करीब हो जाता हूं, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूं। यानी जैसे अल्लाह की शायान शान है, या मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी के साथ मुतवज्जे होती है। अल्लाह तबारक व तआला का कैसा करम होता है। तो फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, मैं उसके लिए वैसा हूं कि जैसा वो मेरे मुतल्लक गुमान करता है। बुखारी की हदीस, और ये हदीस हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जिस हदीस को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें और फरमान रब का हो। एक तो है कुरान, कुरान के अंदर जो आ गया वो तो रब का कलाम, और दूसरा वो जो मुस्तफा करीम हमें बताए कि रब ये फरमाता है, ये है हदीसे कुदसी। यानी फरमान रब का हो, हम तक पहुंचाया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको हदीसे कुदसी कहते हैं। तो हदीसे कुदसी में फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूं जो मुझसे रखे। एक बड़ी प्यारी रवायत याद आ गई, कियामत के दिन एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा कि जिसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, उसको हुक्म दिया जाएगा कि अब चूंकि तूने सारी जिंदगी नाफरमानी की है, चलो जहन्नम में चले जाओ। इसी तरह एक दूसरा बंदा होगा, उसने भी सारी जिंदगी नाफरमानी की, उसको भी अब हुक्म होगा कि चलो तुम भी जहन्नम में चले जाओ। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खबरें दे रहे हैं कियामत की होना कब है, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले से बता रहे हैं ऐसा होगा। फरमाया कि दो बंदों को अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, उन दोनों बंदों के नामा अमाल में नेकियां नहीं होंगी, और गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का उनको हुक्म दे दिया जाएगा कि तुम जहन्नमी हो, जन्नत में चले जाओ। लेकिन दोनों के जाने का अंदाज अलग अलग होगा। एक उनमें से भाग के चला जाएगा जहन्नम की तरफ, और एक थोड़ा सा जाएगा और फिर पीछे मुड़ के देखेगा, फिर कुछ आगे बढ़ेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, फिर कुछ आगे जाएगा, फिर रुक जाएगा, ठहर जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा इन दोनों को बुलाओ, दोनों वापस आ जाओ। अब दोनों वापस आ गए, जो भाग के जा रहा था, जल्दी जल्दी जा रहा था, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे नहीं पता कि ये जहन्नम है, और तू कितनी जल्दी से इसकी तरफ बढ़े चले जा रहा था दौड़ के। अर्ज करेगा मालिक मौला, सारी जिंदगी तो तेरा हुक्म कोई माना नहीं, सारी जिंदगी तो तेरी नाफरमानियां करता रहा, तूने जो हुक्म दिया नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजार दी। तो मेरे दिल ने कहा कि सारी जिंदगी नाफरमानियों में गुजार दी तूने, आज तो रब का हुक्म मान ले,
आज तो रब का हुक्म मानने में जल्दी कर ले। ए मालिक को मौला मैं जानता तो हूं तो कि ये है जहन्नम, लेकिन मालिक को मौला मेरे दिल ने कहा कि आज तो अल्लाह का हुक्म मानने में जल्दी कर, तो मैं भाग के जहन्नम की तरफ गया। तो दूसरे को पूछा जाएगा कि तुझे भी तो मेरा हुक्म था, तू क्यों रुक रुक के जाता था, फिर पीछे मुड़ के जाता था, फिर आगे बढ़ता, फिर ठहर जाता, फिर आगे बढ़ता ठहर जाता था, तो तुझे रब का हुक्म नहीं था? अर्ज करेगा मालिक को मौला बेशक ऐसा ही है, लेकिन मालिक को मौला मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक के तर्जुमान से तेरा फरमान सुना है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, मेरा बंदा मेरे मुतलक जो गुमान करता मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। ए मालिक को मौला मैं जाता तो था कि तेरा हुक्म है, लेकिन फिर पीछे मुड़ के तेरी रहमत की तरफ तकता था कि मेरा मालिक को मौला बड़ा गफूर रहीम है, मेरा मालिक को मौला बड़ा करीम है, वो अब भी मुझे बचा लेगा, वो अब भी मुझे बुला लेगा। फिर आगे बढ़ता था हुक्म की तामील के लिए, लेकिन फिर रुक जाता था, फिर तेरी रहमत की तरफ मुंतजर होकर देखता था कि तेरी रहमत अब भी जोश में आ जाएगी और तू अब भी मेरे लिए रहमत का फैसला फरमाएगा। मालिक को मौला फिर आगे बढ़ता हो और फिर देर में यही ख्याल आता है कि मेरा रब बड़ा रहीम है, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब अब भी मुझे बुला लेगा। और मुझे तो यही गुमान था, मेरे महबूब आका से सुन रखा था कि तेरा फरमान है कि मेरा बंदा मेरे मुतलक जो गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। मालिक को मौला इसलिए मैं रुक रुक के आगे बढ़ता था, फिर रुक जाता था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ उसके लिए भी फैसला कर दिया जाएगा और दोनों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये लेकिन अदल करे थे थर थर कम्बन उचिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन मैं जाए। हमने नमाजें पढ़ के अल्लाह की रहमत को भी पाना है, जिक्रुल्लाह करके उसकी रहमत का हिस्सेदार भी बनना है, लेकिन अपनी नमाजों के जरिए, अपने सजदों के जरिए, अपनी तिलावत कुरान के जरिए, अपने सदका खैरात के जरिए, अपने हज उमरा के जरिए, अपने वालदेन की फरमा बरदारी के जरिए, दूसरों के साथ नेकी का बर्ताव करने के जरिए, ये सारी नेकियां अपनी जगह हमने अल्लाह की रहमत को पाने के ये जरिए अपनाने हैं, लेकिन इससे ये नहीं हमने समझना कि ये नेकी करके मैं जन्नत पा लूंगा, ये चूंकि मैंने ये नमाजें बड़ी बड़ी हैं इसलिए मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने रोजे बड़े रखे हैं इसलिए मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैं ज़कात बड़ी अदा करता हूं मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने हुकूकुल्लाह पूरे किए, हुकूकुल इबाद पूरे किए, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ये काम जन्नत में ले जाने वाले हैं, लेकिन जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलेगी, जन्नत अल्लाह के फजल से मिलेगी। बंदा कहे मैं अपने अमलों के जरिए जन्नती बन जाऊं तो ऐसा नहीं है, जन्नत में ले जाने वाले काम हैं, इससे अल्लाह खुश होके जन्नत अता फरमा दे, लेकिन अल्लाह की रहमत शामले हाल होगी तो जन्नत मिलेगी। वो अल्लाह तबारक व तआला वो अकबर है, वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा है, वो जिसके लिए जो चाहे चाहे, तो जिसने सारी जिंदगी नेकियां की और कोई एक गुनाह कर दिया उस एक गुनाह से भी वो पकड़ा जा सकता है, और ऐसा भी है अल्लाह चाहे तो जिसने कोई नेकी नहीं की महज अपनी रहमत से भी जन्नत अता फरमा दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अपनी रहमत का मामला फरमाए और अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, फरमाया जी में याद करोगे तो मैं भी अकेले याद करूंगा, मजमे में याद करोगे तो अच्छे बेहतर मजमे में याद करूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वश्कुरू ली और मेरा शुक्र करो, जब कुफर का लफ्ज शुक्र के मुकाबले में आए तो इसका माना नाशुक्री, और जब इस्लाम या ईमान के मुकाबले हो तो इसका माना बेईमानी होता है। यहां आयत में कुफर से मुराद नाशुक्री है। शुक्र का मतलब है कि किसी के एहसान और नेमत की वजह से जुबान दिल या अज़ा के साथ उसकी ताज़ीम की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, ये अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातें किया करते थे, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से पूछ रहे हैं ए मालिक को मौला मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र करना भी
तो तेरी एक नेमत है, इन नेमत पे शुक्र अदा करना होता है ना। तो मालिक को बोला मैं शुक्र तेरा कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र करना भी तो तेरी एक नेमत ही है ना, अब मैं शुक्र करूंगा ये भी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और इस पर राजी रहा तो ये शुक्र अदा करना है। यही शुक्र अदा करना कि मुझे जो कुछ मिला मेरे रब से मिला, मेरे अल्लाह की नेमत है। कुरान पाक में हदीस पाक में शुक्र के बड़े फजाइल बयान किए और नाशुक्री की बड़ी मुज़म्मत बयान की गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला ने से रिवायत है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजल फरमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कलमा अल्लाह के नजदीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो इनकी उम्र दराज करता है और इन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। तो जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको शुक्र अदा करने की तौफीक दे देता है। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे पर इनाम करे फिर वो इस नेमत का अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करे और इस नेमत की वजह से अल्लाह ताला के लिए तवाज़े करे और अल्लाह ताला इसे दुनिया में इस नेमत से नफा देता है और इसकी वजह से उसकी आखिरत में दराजात बुलंद फरमाता है। और जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया में इनाम फरमाया और उसने शुक्र अदा ना किया और ना अल्लाह ताला के लिए उसने तवाज़ो की तो अल्लाह ताला दुनिया में उस नेमत का नफा उससे रोक लेता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबक खोल देता है। फिर अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इसे अजाब आखिरत में देगा या इसे दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त अपना शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र करना चाहिए अल्लाह की नेमतों पे, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतों से नवाजा। हम जुमा के लिए आ गए ये भी अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी ये भी अल्लाह की नेमत है ना। हम कहे भाई मैं तो आ गया हूँ तो भाई हम खुद से नहीं आ गए, अल्लाह ने आजाद सलामत दिए, चलने के लिए हमें पाँव दिए, देखने के लिए अल्लाह ने हमें आंखें दी, हम चल के आए देख के आए, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। वरना आज हॉस्पिटल में जाके देखें कई ऐसे हैं बेचारे कि जो चल नहीं सकते, कई ऐसे हैं बेचारे जो बोल नहीं सकते, कई ऐसे हैं बेचारे जो देख ही नहीं सकते। तो ये अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं ये ला बिल्कुल इसका जो है वो बिल्कुल हम कोई कीमत मुतय्यन कर ही नहीं सकते, लाजवाल नेमत। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि हमें अल्लाह ने तंदुरुस्ती अदा की। फरमाया तंदुरुस्ती भी हजार नेमत से बढ़ के है तो अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करें। अल्लाह नेमत औलाद की अता फरमाए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। वालदेन अपनी औलाद के अच्छे बनने में, अच्छे कामों में, उसकी अच्छे किरदार की वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी औलाद को अच्छा किया। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों सबर और नमाज से मदद मांगो बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। इससे पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र और शुक्र का बयान फरमाया और इस आयत में सबर और नमाज का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि नमाज जिक्रुल्लाह और सबर और शुक्र पर ही मुसलमान की जिंदगी कामिल होती है। इस आयत में फरमाया गया कि सबर और नमाज से मदद मांगो।
सबर से मदद तलब करना यह है कि इबादत की अदायगी, गुनाहों से रुकने और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा ना करने पर सबर किया जाए। और नमाज चूंकि तमाम इबादत की असल और अहले ईमान की मेराज है और सबर करने में बेहतरीन मुआवन है, इसलिए इससे भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया। और इन दोनों का बतौर खास इसलिए जिक्र किया गया कि बदन पर बातनी अमाल में सबसे सख्त सबर और जाहरी अमाल में सबसे मुश्किल नमाज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नमाज से मदद मांगा करते हैं। हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है कि जो हाथ उठा दे ना तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने जूकर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। प्यारे आका तो हाथ उठा दे और अब कबूल फरमाए, लेकिन ये हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमें सिखाने के लिए भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज से मदद मांगा करते। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। अब नमाज में मशगूल हो जाते, क्या हमें परेशानियां नहीं आती? क्या हमें मुसीबतें नहीं आती? क्या हमें जो है वो कोई सख्त मामला पेश नहीं आता? तो क्या हम नमाज से मदद मांगते हैं? जबकि कुरान कह रहा है नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद तलब करो। अल्लाह अकबर। इसी तरह नमाज इस्तिस्का, नमाज हाजत भी नमाज से मदद मांगने की सूरतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। हजरत अल्लामा नसर बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने इल्म व कुदरत से हर एक के साथ है, लेकिन यहां सबर करने वालों का बतौर खास इसलिए जिक्र फरमाया ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात दूर करके आसानी फरमाएगा। सबर की तारीफ, इस आयत में सबर का जिक्र हुआ। सबर के माना है नफ्स को उस चीज पर रोकना जिस पर रुकने का अकल और शक्लियत तकाजा कर रही है, या नफ्स को इस चीज से बाज रखना जिससे रुकने का अकल और शरीयत तकाजा कर रही हो। सबर की कई किस्में हैं और बुनियादी तौर पर सबर की दो किस्में हैं। नंबर एक बदनी सबर, जैसे बदनी मुशक्कतें बर्दाश्त करना और इन पर साबित कदम रहना, और दूसरा तबई ख्वाहिशात और ख्वाहिशों के तकाजों से सबर करना। पहली किस्म का सबर जब शरीयत के मुवाफिक हो तो काबिल तारीफ होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीफ के काबिल सबर की दूसरी किस्म है। हमारी कितनी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, ये बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है, तो ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस पे भी सब्र करें, अल्लाह इनाम अता फरमाएगा। सब्र के बड़े फजाइल हैं। कुरान पाक में बुजुर्गान दीन के अकवाल पे सब्र के हवाले से बहुत कुछ बयान किया गया। सूरह इन्फाल में अल्लाह तबारक फरताला इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह नहल में अल्लाह फरमाता है सबर करने वालों को इसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा। सूरह जुमर में अल्लाह फरमाता है सबर करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। इसी तरह फरमाया हदीस पाक में सबर करने वालों की जजा देखकर कियामत के दिन लोग हसरत करेंगे। सबर करने वाले रब्बे करीम की तरफ से हदायत और रहमत पाए जाने का जरिया है। सबर करने वाले अल्लाह को महबूब है। क्या बात है कि अल्लाह को महबूब बनने का जरिया सबर, लेकिन सबर आता जरा मुश्किल है। एक तो यह है कि बंदे का बस नहीं चलता तो बंदा कहता है अच्छा जी अब सबर ही करना है। तो सबर यह है कि बंदा पहले सदमे पे सबर कर ले, जैसे फौतगी हो गई है,
फौतगी हो गई, अब वो सब्र है तो मुश्किल, लेकिन अल्लाह की रिजा के लिए सब्र कर ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़े सब्र कर ले। वहां तो उस वक्त वावेला गया, उदम मचाया, लेकिन दो दिन चार दिन दस दिन गुजर गए तो अब वो जाहिर है कि आस्ता आस्ता बंदे की कैफियत जो है वो नॉर्मल हो जाती है, अब के बस ये क्या करे, अब तो सब्र ही करना है। सब्र ये पहले सदमे पे होता है, जब अचानक कोई तकलीफ दे मामला आया तो फिर रब की रिजा के लिए सब्र किया कि जे सोना मेरे दुख में राजी थे मैं सुख न चुल्ले पाऊ, वो क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। फरमाए सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, फरमाए सब्र आधा ईमान है, सब्र आधा ईमान है। फरमाया सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती है, और फरमाया सब्र हर भलाई की कुंजी है। इस आयत मुबारका में यह भी पता चला कि गैरे खुदा से मदद तलब करना शिर्क नहीं है, गैरे खुदा से मदद तलब करना शिर्क नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं, खुदारा इंसाफ, अगर आयते करीमा इय्याका नस्ताईन में मुतलक इस्तेआनत का जिक्र इलाही में हसर मकसूद हो तो क्या सिर्फ अंबिया इकराम ही से इस्तेआनत शिर्क होगी, क्या यही गैरे खुदा है और सब अशखास व अशिया वहाबिया के नजदीक खुदा है, या आयत में खास इन्हीं का नाम ले दिया गया और इनसे शिर्क औरों से रवा है। फरमाए नहीं नहीं, जब मुतलकन जाते अहदियत से तकसीस और गैर से शिर्क मानने की ठहरी तो कैसी ही सियानत किसी गैरे खुदा से की जाए, हमेशा हर तरह शिर्क ही होगी, कि इंसान हो या जिमादात, अहया हो या मवात, दवात हो या सिफात, अफाल हो या हालात, गैरे खुदा होने में सब दाखिल हैं। अब क्या जो अब ये आयत करीमा के रब ताला फरमाता है वस्ताइनो भी सबरी वसला, इस्तियानत करो सबर और नमाज से। अल्लाह खुद कह रहा है ना, नमाज से मदद मांगो, सबर से मदद मांगो। इस आयत मुबारका में आगे कुछ तफसील है इंशाअल्लाह ज़वजल इसमें मजीद, और अकीदा अहले सुन्नत को अगले जुमातुल मुबारक में मजीद इससे आगे बढ़ेंगे लेके। अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान समझने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।